नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। फिर रुक डबल पॉन एंडिंग लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पोजीशन को कैसे ब्लैक जीतेगा या वाइट क्यों हार गया, क्या कारण था हारने का। कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या ब्लैक जीत सकता है और वाइट हार सकता है, क्या कि पॉसिबिलिटी वाइट का जीतने का है। ये सारे बातों को सोचिए। मुझे लगता है कि आप किसी न किसी निर्णय पर पहुंच ही गए होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे वाइट हारेगा। क्यों? क्यों उसके पास किंग जो है वो बहुत दूर में है, उसका जो सपोर्टर है किंग का वो बहुत दूर है किंग, जिसके कारण यहाँ पे ब्लैक को टेम्पो मिल जाएगा और उसको टेम्पो मीन्स जल्दी मौका मिल जाएगा पॉन को आगे बढ़ाने का। और रुक का सक्रीफाइस करने के बावजूद भी रुकेगा नहीं और वो रुक का सक्रीफाइस भी नहीं कर पाएगा। इसके पिछले वीडियो में ना मैंने आपको बताया था कि रुक का सक्रीफाइस करके आप गेम को बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किंग बहुत दूर है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, ये समझाना यही कि किंग अगर दूर रहेगा और अगर रुक भी रहेगा तब भी आप जीत नहीं सकते हैं। रुक हालांकि रुक एक स्ट्रॉन्गर पीस के श्रेणी में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हारेंगे। क्यों? ये देखिए, तो हालांकि ये वाइट ये बात जानता था तो अपना किंग को पहले प्रमोट किया, और ब्लैक भी ये बात जानता था तो उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए वो पॉन को प्रमोट कर दिया। तो यहाँ पे ब्लैक यहाँ वाइट तो पहुँच गया, लेकिन उसको यहाँ नहीं पहुँच के उसको इस जगह रहना था, उसको इस जगह रहना था। इस जगह वो रहता तो ये बात कुछ दूसरा रहता, इस जगह रहता, इस जगह रहता, इस जगह रहता तो ये बात कुछ दूसरा रहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ किंग इतना दूर में था कि इस मतलब A1 पे रहता या C1 पे रहता या D2 पे रहता तो ये मैच ड्रॉ हो सकता था, लेकिन अब ऐसा कुछ संभव नहीं है। देखिए, सॉरी, देखिए तो यहाँ पे किंग आया सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे रुक गया, रुक A1 करके हम चेक मार देंगे और उससे चेक करके वो सोचा कि हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉन प्रमोट कर दिया, दोनों पॉन प्रमोट कर दिया कि एक पॉन मर जाएगा तो एक पॉन से हम क्वीन बना लेंगे। देखिए यहाँ पे चेक मारा, चेक मारने के बाद फिर से किंग B2 पे आ गया, उसको ये पॉन पता था इसलिए वो B2 पे आ गया। अब हम चेक नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे निर्णय किया कि हम पॉन मार देंगे और गेम यहाँ पे लॉस हो गया। देखिए क्वीन बन गया, क्वीन बन गया, चेक पड़ गया। देखिए तो उसको मूव देना ही पड़ गया, मूव दिया तो देखिए यहाँ पे रुक भी कैप्चर हो गया। अब रुक भी नहीं है, सिर्फ एक क्वीन है, और क्वीन वर्सेस किंग तो आपको पता है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस ये भी संभव नहीं है। तो देख लीजिए, हम इसको नाइट के डायगोनल से इसको कंट्रोल करते रहेंगे। देखिए इसको नाइट के डायगोनल से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए स्टाइल से, देखिए हम कैसे रख रहे हैं नाइट का स्टाइल में इसको रख रहे हैं, इसे कंट्रोल होते जाएगा, उसको मैं ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए वो मेरा बात समझ गया था, इसीलिए थोड़ा सा वो तब भी वो नाइट के डायगोनल पे ही है। तो हम अपना यहाँ पे किंग को डेवलप करेंगे। किंग डेवलप करके बिना विदाउट किंग आप मेट नहीं कर पाइएगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से रखिए, आप स्टील मेट हो सकते हैं, स्टील मेट हो जाएगा तो ये ध्यान देने का बात है। तो अब क्या करना है, हम देखिए अब इसके पास स्पेस कम है तो हम क्या किए, यहाँ पे किंग को डेवलप किए, किंग एफ फाइव किए। जब यहाँ पे आया तो हम उसके बाद इस जगह आ गए और लास्ट में जो बेसिक पैटर्न है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिक पैटर्न क्या है, देखिए ये बेसिक पैटर्न है। किंग अगर इस जगह रहेगा, अगर वो किंग यहाँ गया तो
तो हम इस ऐसे करके मेट कर देंगे। ये एक बेसिक पैटर्न है, इस कॉर्नर में इस तरह से मेट किया जाता है किंग किंग के द्वारा। सारा कॉर्नर में ये दोनों कॉर्नर में मेट होगा, यहाँ मेट होगा, यहाँ मेट होगा, चारों कॉर्नर में इस तरह से मेट होगा किंग। तो ये एक मेटिंग कॉर्नर है समझने का, कि कैसे आप किंग और क्वीन के सहारे कैसे आप मेटिंग कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।